हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सपने में महिला को दिखे भगवान शंकर, कहा मुझे इस जगह से निकालो, हुई खुदाई। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय करके एक कमेंट जरूर करते हुए जाइए। तो गाइज, ये जो पूरा मामला है हमारे सामने उत्तर प्रदेश के मथुरा के कल्याणपुर गाँव से आ रहा है, जहां पर मंजू नाम की एक महिला को सपना लगातार आ रहा था। पहले तो मंजू काफी ज्यादा एक्चुअली में हिचकिचात रही थी कि ये जो सपना है वो आखिरकार ये मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं। उसके सपने में हमेशा भगवान शिव आते थे और ये बात बोलते थे कि राधा रामन मंदिर जो है उसकी सीढ़ियों के नीचे मैं दबा पड़ा हूं, मुझे वहां से निकालो। ये काफी टाइम उनको सेम सपना आया जिसके कारण मंजू ने थक हार के इस सपने के बारे में अपने ससुराल वालों को और अपने मायके वालों को बताया। बताने के बाद मायके वालों ने एक्चुअली में गाँव में इस बात को सरपंच को बताया। सरपंच को बताने के बाद यहाँ पर सब लोगों ने इसको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा और वहां पर जो कि राधा रामन मंदिर है वहां की उनके सीढ़ियों के नीचे जाके खुदाई करने लग गए। वहां पर इस बात को देख के हर कोई वहां पर भीड़ जमाने लग गया, जिसके कारण काफी ज्यादा कठिनाई तो हुई खुदाई करने में, पर सुबह से लेकर शाम तक खुदाई की गई जो कि 5 फीट तक नीचे की गई, पर वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं मिली, जिसके कारण निराशा तो हुई पर उसके बाद गड्ढे को फिर दोबारा से बंद कर दिया गया। सोच में ये थे कि आखिरकार ये सपने क्यों आ रहे थे। तो गाइस, आप बता सकते हैं ये सपने क्यों आ रहे थे, तो वहां से मूर्ति क्यों नहीं मिली अगर ये सपने लगातार थे, तो अपने विचार भी जरूर बताइए। ओम नमः शिवाय करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।